संत निरंकारी मिशन गोधरा ब्रांच और पंचमहाल विभाग आरोग्य शाखा द्वारा रसीकरण कैम्प नो आयोजन करवामां आव्यो हतो। निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ना आशीर्वाद द्वारा गोधरा निरंकारी सत्संग भवन खाते करोना रसीकरण सेंटर में कैम्प नो आयोजन करवामां आवी रह्यो छे, जेनो उद्घाटन दाहोद झोनना झोनल इंचार्ज श्री भूपेन्द्र भाई गडरिया जी अने गोधरा निरंकारी ब्रांच ना संयोजक श्रीमती विद्या देवी जी निरंकारी ना हस्ते करवामां आव्यो, जेमां डॉक्टर नी टीम पण हाजर रही हती। संत निरंकारी मिशन सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ना वड़ापण हेठळ एक सेवाभावी उमदा कार्य मानव मात्र माटे करी रही छे। निरंकारी मिशन नो जे मुख्य लक्ष्य छे ए मानवना ए अवतार जे धारण कर्यु छे मनुष्य एने सार्थक करवा माटे ईश्वर प्रभु परमात्मानी प्राप्ति, परंतु साथे साथे एक सोशियल वर्क पण मानव मात्रनी सेवाना कारज पण उमदापणे निभावी रह्यु छे। ज्यारे ज्यारे पण समाजने आवश्यकता पड़ी, चाहे ए पछी पूरग्रस्त विस्तार होय, चाहे भूकंपग्रस्त विस्तार होय के अनेको एवी कुदरती आफतो आवी होय, तेवा समये निरंकारी मिशनना अनुयायीओ जे कोई पण भेदभाव राख्या सिवाय मानव मात्रनी सेवा माटे आगळ रह्या छे। आजे आपने जोई रह्या छे के पाछला एक दोढ़ वर्ष थी मानव मात्र कोरोना की बीमारी लईने बहु परेशान छे, चाहे पछी अमीर होय कि गरीब होय, नेता होय कि अभिनेता होय, आ बीमारी ने लईने दरेक मानव परेशान छे अने एनाते अमे बधा वाकेफ छीए। आवा टाणे भारत सरकारना साइंटिस्टोए जे दिवस दिवस रात मेहनत करीने एक एवी शोध करी कि जे रसीकरण थी आपणे आ बीमारी थी बची सकीए छे, के एने लड़वा माटे आपणने ए शक्ति मळी सके छे। ए रसीकरणनो आदरणीय वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी साहेबना आदेश अनुसार पहला 45 थी ऊपर जे तमाम वर्षना वयना हता एमने आपणे रसीकरणनो आज सेंटरमां आपणे रसीकरणनो कार्यक्रम राखवामां आव्यो। आजे आ अर्बन हेल्थ सेंटर जे खाड़ी फलिया एमनी टीम अने संत निरंकारी मिशन गोधरा ब्रांचनी आ तमाम अनुयायीओ ए बन्ने मळीने संयुक्त उपक्रमे आ एक सेवानुं उमदा कारज आजे 18 वर्षथी ऊपर वयना जे तमाम नागरिको छे एमना माटे आजे अहींया खुल्लुं मूकवामां आव्युं छे। तो आ एक सेवानुं कारज छे अने सेवाना कार्य माटे निरंकारी मिशन सदाय तत्पर रह्युं छे। निरंकारी मिशन तरफथी दिल्हीनी अंदर ज्यां आपणे जोयुं के केटली हाड़मारी हती, ऑक्सिजननी केटली हाड़मारी हती, कोई जग्याए दवाखानाओमां जग्याओ नहोती मळती, तेवा समये सद्गुरु माताजीए अमारा निरंकारी जे 8 नंबरना ग्राउंड छे एमां 1000 बेड जे वेक्सिनेशन साथे त्यां आगळ उपलब्ध करायुं, एमां 3 टाइमनुं जमवानुं अने ए तमाम प्रकारनी जे सेवाओ हती, चाहे पछी ए मेडिसिननी सेवाओ हती, ऑक्सिजननी सेवाओ हती, रहेवानी सेवा हती, ए तमाम मफतमां मानव मात्र माटे ए खुल्लुं मूकवामां आव्युं। एवी रीतना निरंकारी मिशनना अनेको जग्याए जे रीतना आपणा ગુજરાતના આ ગોધરા બ્રાન્ચનું આ જે સત્સંગ ભવન છે જેને આજે આપણા સેવામાં મૂક્યું છે, એવી રીતના તમામ એવા અનેકો ભવનો છે એ તમામ રાજ્યના ભવનોની અંદર ઘણી જગ્યાએ કોવિડ સેન્ટર બી ખોલવામાં આવ્યા છે, ઘણી જગ્યાએ વેક્સિનેશનના કામ, ઘણી જગ્યાએ ઇન્સ્યુલેશનના આ તમામ પ્રકારની સેવા સદગુરુ માતા સુદીક્ષાજી મહારાજના આદેશ અનુસાર નિભાવવામાં આવી છે। માનવતાને જીવંત રાખવા માટે આ મિશન તત્પર છે અને સદાય તત્પર રહેશે। બસ એક પ્રાર્થના સદગુરુ માતાજીના ચરણોમાં કે હવે માનવતાની તમે લાજ રાખો અને આ બીમારીને જલ્દીથી જલ્દી દૂર કરીને માનવથી માનવ નજદીક આવે, જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ આજે સગાથી સગા પણ દૂર થાય છે, સદગુરુ માતાજી તમામને તમે નજદીક લાવો, પ્રેમ વરસાવો, માનવતાને જીવંત રાખો, એ જ અરદાસ, એ જ પ્રાર્થના સાથે